करें क्या शिकायत, अंधेरा नहीं है, अजब रोशनी है कि दिखता नहीं है। नमस्कार, सलाम, न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम चुनाव चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। वाकई आज प्रचार की चकाचौंध है, लेकिन हम फिर भी साफ साफ देखने और दिखाने की कोशिश करेंगे। पिछले एपिसोड्स में हमने अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव की बात की। ये 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। इनके वोटों के गणित की बात की, आंकड़ों के जरिए 2022 और 2024 का सुराग लगाने की कोशिश की। अब हम जानेंगे आज की जमीनी हकीकत। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यही प्रदेश आने वाले दिनों में देश की सियासी तकदीर और तस्वीर तय करेगा। तो शुरू करते हैं चुनाव चक्र। यूपी यानी उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य में 75 जिले हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। आज हम इस राज्य का ताजा सियासी हाल लेने के लिए चलेंगे राजधानी लखनऊ और सत्ता के दूसरे सबसे बड़े केंद्र वाराणसी यानी बनारस। लेकिन इससे पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं यूपी में फिलहाल किसके पास कितनी ताकत है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें हैं 403। इसमें किसके हिस्से में कितनी सीटें या ताकत है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा यानी बीजेपी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हालांकि वे 2017 के चुनाव में भाजपा का चेहरा नहीं थे। आप ये जो मैप देख रहे हैं, जो नक्शा देख रहे हैं, इससे साफ है कि भगवा दल यानी भाजपा को उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी ताकत हासिल हुई। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से जीती 312 सीटें, यानी भारी बहुमत। मतलब बाकी के सभी विपक्षी दल करीब 100 सीटों से भी कम में सिमट गए। वह दल भी जो 2012 में सत्ता में था, यानी समाजवादी पार्टी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा ने इसमें से कुछ सीटें गंवाई भी, लेकिन बहुमत पर बहुत फर्क नहीं पड़ा। समाजवादी पार्टी यानी सपा को 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली कुल 47 सीटें, जबकि उसके पास 2012 के चुनाव में थी 224 सीटें, जिससे उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और उससे भी पहले 2007 में राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा तो कुल 19 सीटों पर सिमट गई। अपना दल ने जीती 9 सीटें और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के खाते में उससे भी कम कुल 7 सीटें आईं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी SBSP ने हासिल की 4 सीटें। राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD के हिस्से में आई मात्र 1 सीट। निषाद पार्टी को भी 1 सीट मिली, जबकि इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय को मिली 3 सीटें। तो पिछली पिक्चर साफ है, लेकिन आने वाले समय की तस्वीर बेहद धुंधली। एक तरफ अखबारों में, बाजारों में, यहां तक कि दिल्ली की मेट्रो तक में यूपी के विकास के दावे किए जा रहे हैं। कितना राशन बांटा, कितने एक्सप्रेसवे बनवाए, कितने एयरपोर्ट तैयार हो रहे हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। वहीं नीति आयोग बता रहा है कि गरीबी में यूपी Top 3 में है। शायद यही वजह है कि काउंटर प्लान के तौर पर रोज सुबह शाम अलग अलग बयानों के जरिए पूरे चुनाव को धर्म के पाले में खींचने की कोशिश की जा रही है। जब बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी 6 दिसंबर आ रही है, तो डिप्टी CM मथुरा की तैयारी की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काशी चलो का नारा दिया जाता है। क्या है इस सबके सियासी मायने, यही जानने के लिए सबसे पहले बात करेंगे राजधानी लखनऊ में न्यूज क्लिक के सहयोगी असद रिजवी से। असद जी, चुनाव चक्र में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यूपी की और आप राजधानी लखनऊ में बैठे हैं। क्या देख रहे हैं, कैसी है फजा, सियासी फजा खास तौर से, और सत्ता पक्ष और विपक्ष क्या हाल है? देखिए, अगर हम सत्ता पक्ष से बात को शुरू करते हैं तो सत्ता पक्ष में कहीं ना कहीं एक परेशानी देखने को मिल रही है।
सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं विकास से शुरू हुआ था और धीरे धीरे जो उसका पुराना कार्ड है सांप्रदायिकता उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसके माने ये है कि उसको लग रहा है कि उसका जो विकास का फॉर्मूला था वो शायद उतना काम नहीं करेगा जब तक उसके अंदर वो सांप्रदायिकता को अपने पुराना जो उनका मिर्च मसाला है उसको नहीं मिलाते हैं। रही बात अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अभी तक किसी दो बड़ी पार्टियों का अलायंस तो हमें देखने को नहीं मिला है। सबसे ज्यादा जिक्र जो हो रहा है वो समाजवादी पार्टी का हो रहा है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव विकास रथ निकाल रहे हैं, चारों तरफ वो विकास रथ अपना लेके जा रहे हैं और भाजपा के ऊपर अटैकिंग हुए। हालांकि ये बात कही जा रही है मुकुल जी के जो प्रचार शुरू किया है अब अखिलेश यादव ने, ये थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था। काफी लेट अखिलेश यादव मैदान में उतरे हैं लेकिन अब बहुत सक्रियता के साथ वो चल रहे हैं। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि हर महीने वो श्रद्धांजलि सभा एक हुआ करेगी किसानों को लेकर, लखीमपुर को लेकर, यानी कि वो किसान मुद्दे के ऊपर भी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो ध्रुवीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए कहीं ना कहीं हम उस पर आएंगे कोशिश भी कर रही है। और कांग्रेस और बसपा, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी काफी एक्टिव है और काफी दिनों के बाद कोई कांग्रेस का नेता इतना एक्टिव यूपी में नजर आया है। हालांकि उनके पास कैडर की कमी है, उनके पास चेहरों की कमी है, उनके पास चेहरे नहीं है। दुबई दो एक चेहरे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, वो साथ में रहते हैं, प्रमोद तिवारी रहते हैं आरा, और इसके अलावा दो एक चेहरे और हैं जो उनके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। बड़े चेहरे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं यूपी की पॉलिटिक्स में, और कई बड़े चेहरे उनको छोड़ के भी कांग्रेस चले गए जो कांग्रेस में हुआ करते थे, अनु टंडन थी या कई और बड़े चेहरे थे वो छोड़ के चले गए। रही बात भाजपा की, तो वहां पे तो भाजपा के लिए कहा जा रहा है, क्या मायावती को ये पता भी है कि चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बस उन्हीं ने शुरू में वो ब्राह्मण महासम्मेलन किया और ब्राह्मण वोट को खींचने की अपनी तरफ कोशिश करी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए तो कोई ऐसी एक्टिवनेस के कोई रैली हो रही हो, कोई रथ यात्रा निकल रही हो। आप जब देखिए प्रधानमंत्री लखनऊ में तीन तीन दिन रह रहे हैं, वाराणसी में उनका प्लान है दो तीन दिन रुकने का, इतना सक्रिय बीजेपी है। ऐसे में बीएसपी कैसे मुकाबला करेगी नहीं समझ में आ रहा है। यही नहीं समझ में आ रहा है कि मायावती को पता भी चला है कि चुनाव है एक महीने बाद दो महीने बाद, यह नहीं पता है। वैसे वे ट्वीट तो करती हैं और भाजपा से ज्यादा वो कांग्रेस और समाजवादी पर प्रहार करती हैं। धीरे धीरे ये हो गया कि वो एक एजेंसी को बाइट दे देती हैं और उसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम। अच्छा, छोटे दलों का क्या सीन रहेगा? देखिए छोटे दलों की भूमिका अपने आप में इग्नोर नहीं की जा सकती। देखिए जैसे कि राजभर है, राजभर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और राजभर जो ओबीसी इनके साथ नहीं थे समाजवादी पार्टी के साथ, उनको समाजवादी पार्टी के करीब लाने की कोशिश करेंगे। उन्हीं ने जब पहला पिछला चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ मिलकर तो चार सीटें उन्हीं ने निकाली थी। आज भी पूर्व में उनका प्रभाव है ये, और उसका प्रभाव जो है वो इनके काम आएगा समाजवादी पार्टी के। और अगर हम दूसरी छोटी पार्टी जो है उसकी बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल और जो समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ है वो भी बहुत अहम है, क्योंकि पश्चिम में कहीं ना कहीं अगर हम अर्बन इलाके को छोड़ भी दें, रूरल इलाके की ग्रामीण इलाके की बात करें, तो बहुत ज्यादा भाजपा के खिलाफ नाराजगी है जो किसान आंदोलन ने पैदा की थी और जो खाई थी हिंदू और मुसलमान के बीच 2013 से, जिसका फायदा बीजेपी को 2014, 2017, 2019 में मिला, वो जो है वो भी कहीं ना कहीं पट गई है। जी मैं यही आ रहा था आपके पास कि पश्चिम को लेकर ये जो हम सब देख रहे थे किसान आंदोलन की वजह से जो एक माहौल बना है सत्ता के विरोध में और हिंदू मुस्लिम एकता जो बनी है, तो हम देख रहे हैं डिप्टी सीएम आपके नारा लगा रहे हैं कि मथुरा की तैयारी है, तो ये यही लौट रहे हैं। एक तरफ ये जहाज सड़कों पर उतार रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया, ये तमाम दावे हैं, फिर लौट कर वहीं आ रहे हैं, तो क्या कुछ इन्हें ऐसा फीडबैक मिल रहा है कि इस सांप्रदायिकता कार्ड के बिना बीजेपी की नैया पार होना मुश्किल है? बिल्कुल, देखिए सही बात आपने कही कि बीजेपी का जो फीडबैक है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, वो उनको यही इनपुट दे रही है कि
कहीं ना कहीं अगर वो सांप्रदायिकता का कार्ड नहीं खेलेंगे तो वो उस तरीके से जैसे वो आए थे सत्ता में 2017 में, उस तरीके से उनके लिए आना संभव नहीं है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो किसान आंदोलन था, इधर वाल अगर हम आते हैं इस बेल्ट में जिसमें हमारा ये पड़ता है लखीमपुर खीरी सीतापुर, इसमें भी एक नाराजगी बढ़ गई। नाराजगी तराई का इलाका जो है, देखिए खाली नाराजगी की वजह ये नहीं थी कि लखीमपुर वाला कांड हुआ, लखीमपुर में जो घटना हुई उसके बाद अजय कुमार टेनी आज भी केंद्र सरकार के मंत्री बने हुए हैं। ये बहुत बड़ी मतलब एक तरह से कहना चाहिए ह्यूमिलेशन करना है, किसानों को चढ़ाने जैसा किसानों को लग रहा है कि जो आदमी जिसने धमकी दी थी जो 120B का मुजरिम हो सकता था, वो आदमी देश का गृह राज्य मंत्री है और गृह मंत्री के साथ स्टेज शेयर कर रहा है। तो आज तो असद भाई मैं रोकूंगा आपको कि आज हमने मोटी मोटी बात की, अभी पहली बातचीत इस तरह से ग्राउंड पर जाकर हम हाल आपसे हमने जाना, आगे हम आपसे बात करते रहेंगे। तो सांप्रदायिकता का कार्ड खेल के बीजेपी को भले ही कुछ फायदा हो लेकिन देश और प्रदेश का बहुत नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब राजधानी लखनऊ से चलते हैं धार्मिक नगरी काशी की तरफ, जिसे सरकारी तौर पर वाराणसी और जनता बनारस के नाम से पुकारती है। बनारस में हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विजय विनीत। विजय विनीत जी आपका स्वागत है। लखनऊ के बाद कहें या लखनऊ के ऊपर कहें, बनारस को सत्ता के केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। पहले आपसे बनारस के हालात पर बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी सीट यानी बनारस से 2014 से सांसद हैं। इन 7-7.5 सालों में क्या बनारस क्योटो बन गया, क्या हालात हैं? देखिए सर, बनारस क्योटो नहीं बन पाया और न कभी बनारस को क्योटो बनाने की जरूरत। बनारस में जो बनारस का जो रस गुला हुआ था वो खत्म होता जा रहा है, ये दिक्कत इस बात। आप किसी भी शहर उसके मूल तत्व को गायब करके एक नया तत्व अगर आप डालते हैं या विकसित करने की कोशिश करते हैं तो वो किसी की नकल नहीं, नकल करने की जरूरत ही नहीं है बनारस। नहीं, हम अगर विकास के लेवल स्तर पर बात करें, विकास के जो पैरामीटर्स हैं, स्वास्थ्य शिक्षा इन सब को लेकर, सड़क, ये बनारस कहाँ पहुंचा? देखिए बनारस का विकास अगर आप देखें तो बाबतपुर से शिवपुर तक एक जो सड़क गई है एयरपोर्ट तक, वही एक सड़क दिखती है और दूसरा विश्वनाथ मंदिर के करीब 1-2 किलोमीटर के दायरे में कार। बाकी अगर आप पुराने शहर में किसी गलियों में जाएंगे तो बज बजाते हुए नाले नालियां फंदते हुए सीवर यही सब दिखते हैं और यहाँ का जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इतना भ्रष्ट हो चुकी है कि अगर कोई मरीज इस ट्रैफिक व्यवस्था में जाता है तो जिंदा बच पाने और जी मरीज जी मरीज की बात हो रही तो कोविड में क्या रहा, कोविड और अब हालत में? देखिए सर, बनारस में कोविड में कपड़ों से ज्यादा कफन बिका और आपने देखा होगा कि सरकार लापता हो गई थी, पता ही नहीं था कि सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं, और तमाम मजदूरों को और खासतौर पे किसानों को कामगारों को जो दुश्वारियां झेलनी पड़ी वो पूरा देश जानता है और वो लोग जानते हैं जिनको एक एक एम्बुलेंस के लिए तरसना पड़ा, जिनको कंधा देने के लिए जिनको तरसना पड़ा। जी मैं वहीं आ रहा था कि जैसे पहली लहर फिर दूसरी लहर, इसमें मजदूर बुनकर खासतौर से कालीन उद्योग वाले इन सबका क्या, हमने आपने रिपोर्ट की है कि बहुत बुरा हाल रहा, ऐसा क्यों? देखिए सर, ऐसा है कि सरकार जब संकट आया तो आमतौर पर बुनियादी सवालों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर आप आपने देखा होगा कि ये सरकार जो है इवेंट के दम पर ये चाहती है कि हम सब कुछ करें, इवेंट से नहीं, आपको यहाँ के विकास की एक नई धारा बहानी पड़ेगी, न कि अब देखिए कि सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पे और सुविधाएं विकसित करने के मुद्दे पर जब सरकार फेल हो गई तो बनारस में एक नया ड्रामा चला गया कि अब काशी चलो काशी। हाँ जी, मैं यही आना चाह रहा था कि जैसे आपने ही मुझे बताया, हम चर्चा कर रहे थे पहले भी कि कबीर ने कहा था कि काशी से चलो, मगर की तरफ गए वो, और बनारस मोदी जी कह रहे हैं कि काशी चलो, चलो काशी,
और अब ये खबर भी है कि फिर वो एक बार बनारस आ रहे हैं, 2-3 दिन प्रवास करेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद आपने बताया था कि मुख्यमंत्री यहाँ बुलाए गए हैं और भी बहुत लोग, तो ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि इसके पीछे नेपथ्य में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो चुकी है, खासतौर पर बेरोजगारी के मुद्दे पे बड़ी संख्या में बेरोजगार खड़े हो रहे हैं देश में, और इसके अलावा किसानों की समस्याएं मुंह बाहें खड़ी हुई हैं, और मजदूरों की स्थिति, मजदूरों के पास काम नहीं है, और कोरोना काल में शैक्षिक संस्थाओं के बंद होने से जो दुश्वारियां खड़ा हुई है वो, और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है, और ये सरकार सभी मोर्चों पर फैल रही। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में कितनी दुश्वारियां लोगों ने झेली और सरकार का आता पता नहीं था। अब सरकार को लगता है कि जब चुनाव, यूपी का चुनाव नजदीक है, तो सरकार चाहती है कि हम कुछ ऐसा कर्तव्य दिखाएं, ऐसा नारा लगवा दें, ऐसा कुछ धार्मिकता का, धर्मांधता का कुछ ऐसा ढांचा खड़ा कर दें कि लोग हमारे पीछे लट्टू हो जाए और खुद मुझे सत्ता में आने का मौका मिल जाए। आस्था का तो मसला है ही, इधर मथुरा चलो की बातें की जा रही हैं, उधर काशी चलो की बातें की जा रही हैं, तो कुल मिलाकर जो अब जो इवेंट होने जा रहा है ये 2-3 दिन का, क्या ये सब यूपी चुनाव को देखते हुए है या फिर उसके आगे की भी कोई तैयारी है? और राजधानी लखनऊ की बजाय सत्ता का केंद्र एक तरह से बनारस को भी बनाने की उस तरह से कोशिश हो रही है राज्य के चुनाव में? देखिए सर, एक महीने का पूरा इन लोगों ने शेड्यूल बनाया है, इसमें पूरे देश के ब्लॉगरों को और चैनलों को और ढेर सारे मीडिया कर अभी आकर के बनारस में टिक गए हैं, उनको रहने खाने के लिए का इंतजाम किया जा रहा है, वास्तुविदों को, कलाकारों को, संगीतकारों को यह बुला करके मोदी दिखाना चाहते हैं कि यार देखो ये मैंने बनारस एक नया मॉडल बनाया, लेकिन ये कैसा मॉडल है विकास का? गुजरात मॉडल के बाद बनारस मॉडल। जी बनारस मॉडल, तो आखिर ये कौन सा मॉडल दिखाते हैं? गुजरात के बाद आप बनारस मॉडल दिखाना चाहते हैं? विश्वनाथ मंदिर के इर्द गिर्द बनारस मॉडल नहीं दिखता, अभी पिछले दिनों मैंने यहाँ। तो मैं आपको फिलहाल रोकूंगा, हम आपसे अभी एक शुरुआती बातचीत हमने इस चुनाव का जायजा लेने के लिए की, आगे हम आपसे और जुड़ेंगे, फिलहाल आपसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने लखनऊ का हाल सुना, वाराणसी का हाल सुना, आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले अंक में एक बार फिर ताजा सियासी हाल पर बात करेंगे। फिलहाल आप हमारी साइट पर विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। धन्यवाद।